न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। 16 को गोरखपुर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में आयोजित काव्यांजलि कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। 17 को वापस जाएंगे वाराणसी। खजरी थाना क्षेत्र में हुई लूट और ट्रक ड्राइवर की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। 4 अभियुक्त गिरफ्तार। एसएसपी ने कहा ट्रक ड्राइवर को नशे के हालत में की गई थी हत्या। नगर निगम के कर्मचारियों और पार्षद के विवाद में जनता होती है परेशान। कार्यों के निस्तारण का अभी नहीं है कोई विकल्प। त्योहारों के मद्देनजर जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। कहा गणेश पूजा और मुहर्रम को साकुशल कराएं संपन्न। खलल डालने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। गुलरिया थाना पर आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर कमिश्नर ने किया औचक निरीक्षण। समस्या का गुणवत्ता युक्त निस्तारण के दिए निर्देश। मुहर्रम और गणेश चतुर्थी पर्व पर साकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद। एसएसपी ने कहा माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दोषी पार्षद की अपर नगर अधिकारी द्वारा जांच कर सदस्यता समाप्त करने के लिए नगर आयुक्त ने शासन को संस्तुति पत्र देने का दिया आदेश। फिर नगर आयुक्त के समझाने पर कर्मचारियों ने खत्म किया हड़ताल। स्वच्छता अभियान के तहत मंडलायुक्त ने किया शौचालय का निरीक्षण। दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखनाथ क्षेत्राधिकारी कार्यालय पर हुआ जीर्णोद्धार। एसएसपी ने किया उद्घाटन। सराहनीय कार्य के लिए दी बधाई। कैंट थाने पर आयोजित थाना संपूर्ण समाधान दिवस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने सुनी फरियादियों की फरियाद। समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश। महंत दिग्विजय नाथ स्मृति व्याख्यान माला में वक्ताओं ने व्यक्त किए अपने अपने विचार। नगर आयुक्त की निगरानी में अतिक्रमण हटाने को मेडिकल कॉलेज रोड पर चला बुलडोजर। नालों को किया गया साफ। स्वच्छता ही सेवा है मिशन के मोटरसाइकिल रैली को संयुक्त नगर आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और स्वर्गीय आर के दत्ता के निर्वाण दिवस पर उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने जिला चिकित्सालय में किया रक्तदान।